जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव प्रज्ञा वाजपेयी ने की आश्रय गृह का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव प्रज्ञा वाजपेयी ने आज शहर से सटे पकरिया स्थित डोम सिटवा में बने आश्रय गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां की सुविधाओं के बारे में जानकारी नगर परिषद के सिटी मैनेजर पिंकी सिन्हा से ली। पिंकी सिन्हा ने सचिव को बताया कि फिलहाल यहां पर 15 लोगों को ठहरने की व्यवस्था की गई है। वैसे लोग जो असहाय हैं, जो रात में फुटपाथ पर गुजारते हैं वैसे लोगों को यहाँ ठहरने की सुविधा दी जा रही है। ठंड को देखते ही आश्रय गृह के कंबल को हीटर की व्यवस्था की गई है। इस दौरान सचिव ने उन्हें कई दिशा निर्देश दिए। तुम भाई आराम से जरा बात करो, तुमको भी ऐसा नहीं होगा। आने का उद्देश्य क्या है? हम लोगों को झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के तत्वाधान में ये निर्देश प्राप्त हुआ है कि हम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार इस रैन बसेरा जो कि डोम सितवा में स्थित है उसका निरीक्षण करें और जनता से इस चैनल के माध्यम से अपील करें कि अगर कोई भी, वैसे भी मैंने अपने सारे कार्यरत 12 प्रखंडों में पैरालीगल वॉलंटियर्स को बोल रखा है कि रात्रि भ्रमण करें। अगर उन्हें कहीं भी फुटपाथ पे कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जो लावारिस है, जो सर्दी में ठिठुर रहा है, उसको यहाँ का पता दें ताकि यहाँ पर वो आराम से सर्दी में रह सकें। और इसकी अधिक जानकारी के लिए हम आए हैं और हम पिंकी सिन्हा जी से, जो सिटी मिशन मैनेजर हैं, उनसे और भी जानकारी लेंगे कि यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं इस रैन बसेरा में और क्या कोई हेल्पलाइन नंबर भी है जिस पे लोग कॉल करके इनसे संपर्क कर सकते हैं। हम पूर्व में भी झालसा के निर्देशानुसार यहाँ पे विज़िट किए हैं और हमेशा से हमारा पिंकी आनंद जी ने हम लोगों को सारी यहाँ की सुविधाओं के बारे में बताया है। यहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जहाँ का हम दो बार निरीक्षण कर चुके हैं, जहाँ पे प्राइमरी चिकित्सा के से रिलेटेड और लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है, कॉमन कोल्ड है या कोई भी सिंपल समस्या है, वहाँ पर डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, वहाँ मेडिसिन भी अवेलेबल हैं जिसका वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर भी इशू हुआ था जो कि वो बताएंगी। ऊपर के कमरों का निरीक्षण भी हम पहले कर चुके हैं, आप लोग भी देख सकते हैं, बहुत वेल मेंटेन्ड और क्लीन है। और मुझे बहुत खुशी है कि एटलीस्ट चतरा ज़िले में एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग आराम से रह सकते हैं। मेरा नाम पिंकी सिन्हा है और मैं सिटी मिशन मैनेजर हूँ। यहाँ जो आप आश्रय गृह देख रहे हैं ये हमारे डे एनुअलम यानी शहरी आजीविका मिशन जो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत नगर परिषद द्वारा चलाया जा रहा है। और ये बेसिकली है हमारा वैसे लोगों का जिनको यहाँ पर अपना प्रश्रय या घर नहीं है। हम इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं कि लोग रोड पर ना सोएं, सड़क पर ना सोएं। इसके लिए हमारे यहाँ जो हमारे टीसीज़ हैं, टीसी का मतलब हो गया हमारे टैक्स कलेक्टर हैं, और जो हमारे सीआरपीज़ हैं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, उनके माध्यम से हम ये एकदम गहन ये चला रहे हैं कि चलो भाई किसी को भी सड़क पर सोना नहीं है। यहाँ आके हमारा आश्रय गृह है, यह बिल्कुल भी निःशुल्क है। यहाँ अगर सर्दी का दिन है तो उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था है, कंबल की व्यवस्था है, मच्छरदानी है, बेड हैं, अभी आप देखेंगे। साथ में हमने हीटर का भी व्यवस्था रखा है क्योंकि वैसे लोग जो ठंड में आएंगे वो ठिठुरते हुए ना रहें, इसका है। गर्मी के लिए भी हमारे पास है, पंखे हैं, कूलर हैं, हर तरह की सुविधाएँ हैं और हमने लोगों को लगा रखा है। और जैसे मैडम का जब से विज़िट हो रहा है तो इनके लोग भी, अगर वैसे लोग जो सड़क पर रहते हैं या इनको दिखाई देते हैं उनको यहाँ तक लाते हैं और इस रैन बसेरा में या आश्रय गृह हम लोगों ने इसका नाम रखा है इसमें रुकवाते हैं। हमारा आप लोगों से भी अनुरोध है कि अगर ऐसे व्यक्ति जो आपको सड़क पर दिखें, कि जो प्रश्रय विहीन हैं, जिनके पास प्रश्रय नहीं है, उनको आप यहाँ तक लाएं। और हमारा नंबर आप शेयर कर सकते हैं लोगों के मध्य में और वो है 7488475790 7488475790 में आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी समय में। वे यहाँ तुरंत उनके रहने की व्यवस्था होगी जिनको प्रश्रय चाहिए।
अभी ले लीजिए ऊपर। माँ का हम लोग कैसे चलाते हैं? हाँ ठीक है, बोलिए नहीं चलाना तो मत चलिए।